So Prashant, why you selected Northeastern University and why specifically Toronto? So basically, दो जो बड़ी चीज़ें होती है whenever we choose any you know particular location and the course or the university, उसके रीज़न अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, बट एज आई बिलोंग टू द आई टी इंडस्ट्री तो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, या तो वैंकूवर या तो टोरंटो, बिकॉज यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आई टी इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, एंड आई बिलीव टोरंटो से नज़दीक में जो किचनर वगैरह का एरिया है वहाँ पे स्टार्टअप एनवायरमेंट काफ़ी है. सो दैट वॉज माई फर्स्ट की रिसर्च कि मुझे ये वाले एरियाज में जाना चाहिए, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ बिलोंग करती वो शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए. आफ्टरवर्ड्स एक्चुअली मेरा वाला केस अगेन मैं थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि मैंने काफ़ी रश में डिसीजन लिए कि मुझे जाना है यहाँ पे जाना है काइंड ऑफ ओके के लिए, तो मैंने जीआरई जीमैट वगैरह कोई अटेम्प्ट की ही नहीं थी. तो मैंने खाली आईएल्स दिया था एकेडमिक वाला, तो मेरे लिए और शॉर्टलिस्टिंग कम हो गई कि मेरे पास फिर कुछ गिनी चुनी ही यूनिवर्सिटीज़ आ गई जहाँ से मुझे पिक करना था, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे पिक करेंगे कि नहीं करेंगे. या सो अगेन देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर दैट. तो इतना सारा करने के बाद आई मेट टू दिस वन ऑफ यू नो माई काउंसलर, वहाँ पे उन्होंने मुझे गाइड किया था कि नॉर्थ ईस्टर्न एक अच्छा ब्रांड है, शायद यूएस में उनकी 100 ईयर्स ओल्ड लिगेसी है. वो मुझे थोड़ा एक अच्छा लगा. आई एम नॉट श्योर कि उनका कैंपस कैसा रहेगा क्या रहेगा, मैंने इतना नहीं सोचा था उस वक्त, बट मैंने ये बात सोची कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है उनमें काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ने तीन पर्टिकुलर यू नो कॉन्टेक्स्ट पे काफ़ी फोकस करके रखा है. ये वाले जो कैंपसेस थे एक्चुअली जो टोरंटो में या वैनकूवर में थी, ये पहले शायद लास्ट ईयर तक सैटेलाइट कैंपसेस थी, तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा था. तो उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने डिसीजन लिया था फॉर ऑन कैंपस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट. तो फॉर्चुनेटली फिर वही फेज में मैंने एप्लीकेशन डाली थी एंड आई गॉट द रिस्पॉन्सेज कि हाँ दे आर गोइंग टू यू नो गेट मी एनरोल्ड. तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट निकला ऑन ग्राउंड. तो मैं वो सोच रहा था कि मैं ऑनलाइन नहीं करना चाह रहा था, एंड अगेन दैट्स अ बिग ब्रांड एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो फॉर इट बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन दिस मोर यू नो कैटेगरीज की डेटा एनालिटिक्स हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया और रेगुलेटरी अफेयर्स. या दे आर मेनली दिस थ्री कैटेगरीज दे आर ऑफरिंग राइट नाउ. राइट. सो वो एक अच्छा पॉइंट था मेरे लिए कंसिडर करने के लिए. एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्सेज कि उसके अंदर उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट्स ली हुई है. तो बेसिकली वो सब्जेक्ट्स तो काफ़ी कॉमन होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, बट द वे दे हैव ड्राफ्टेड देयर कोर्सेज और फिर उन्होंने कोऑप डाला था. सो आई बिलीव मैंने जितना रिसर्च किया था, मास्टर्स डिग्री के लिए कोऑप के ऑप्शंस कम है, बैचलर्स के लिए ज़्यादा थे. तो नॉर्थ ईस्टर्न इज़ वन ऑफ द यू नो अगेन यूनिक प्रोवाइडर ऑफ कोऑप अपॉर्चुनिटीज जो मेरे लिए ऐसा लगता था अच्छा है. फेमस फॉर द कोऑप्स ओनली. राइट. तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा एंड या देन दैट कुड बी अ मेजर रीज़न कि उनके जो कोर्स का स्ट्रक्चर था वो मेरे गोल के हिसाब से अलाइन हो रहा था. कोऑप मुझे चाहिए था वो भी मिल रहा था. अगेन द आई एम नॉट श्योर अबाउट द कैंपस बट आई एम रियली बिलीविंग इन देयर लीगेसी कि जो उन्होंने अभी तक के डिलीवर की है कोर्सेज, तो वो मुझे अच्छा लगा. कल की कोई है नहीं, वो ऑलरेडी है. चलो कैंपस कनाडा में नया ओपन करा बट दे ऑलरेडी हैव देयर हैंड्स इन द मार्केट सिंस अराउंड 100 इयर्स. करेक्ट. सो वो मुझे सही लगी थी, उसके लिए फिर मैंने नॉर्थ ईस्टर्न चूज करी थी. अगेन द एडेड एडवांटेज, अगेन ये कुछ लोग समझ सकते हैं एडेड एडवांटेज है नहीं है, अगर हम कॉस्ट कंपेयर करें फॉर द मैनेजमेंट स्टडीज, तो अगर मुझे MBAs करना है या फिर किसी यू नो वेल नोन या काफ़ी बिग ब्रांड के साथ कनाडा में करना है, तो उसकी कॉस्ट और ये पर्टिकुलर कोर्स की कॉस्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है. इवेंचुअली हम लोग पढ़ाई सेम कर रहे हैं, कम आता है. या और इवेंचुअली हम लोग पढ़ाई भी सेम कर रहे हैं फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसका सब्जेक्ट कोर जो है वो सेम जाते हैं. हाँ, कि मुझे एज अ मैनेजर क्या पढ़ना चाहिए, तो वो मैं सोच रहा था कि इट्स अ बिग एडवांटेज फॉर मी, क्योंकि ये सारा कुछ कैलकुलेटेड रिस्क में बैठ रहा था. So that's the reason I go for the Northeastern. So the most important question of this interview, Prashant, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ स्टडी परमिट के ऊपर है, but still within 2 months landing over here in Canada, he got a manager level job. He is a product manager for a company. And there is a myth कि भाई जब आप कनाडा में आते हो, so even though आपके पास previous experience भी है, स्टिल आपको बेस लेवल के ऊपर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी जूनियर. ओ प्रशांत, हाउ डिड यू गेट द मैनेजर लेवल जॉब? यू डिडंट स्टार्ट इट फ्रॉम वेरी बेस, एंड व्हाट स्ट्रेटजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या वो जुगाड़ किया आपने अपनी वो मैनेजर लेवल की जॉब लेने के लिए? सो हाउ सिस्टम वर्क्स ओवर हियर, सो डू टेल अस अबाउट दैट थिंग. ओके, सो आई वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लाइक कि ना क्या क्या पैरामीटर्स या क्राइटेरिया हो सकते थे जिसके वजह से ये चीज़ में हम लोग लैंड अप कर सकते हैं.
तो बेसिकली मुझे पर्सनली लगता है कि जो नेटवर्क वी यूज़ टू फॉलो इन द लिंक्डइन एंड ऑल दोज थिंग्स दैट मैटर्स अ लॉट। और मेरे यहाँ आने के बाद विद इन अ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स ऑफ टाइम फ्रेम आई मोस्टली स्पेंड एंड इन्वेस्ट इन टू द लिंक्डइन। तो जितने भी मेरे कनेक्शंस थे ये पर्टिकुलर रीजन्स के अकॉर्डिंगली एंड द कंपनीज के अकॉर्डिंगली मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया था। एंड ये पर्सनली मैसेज में मैंने दो चीज़ें फोकस करके रखी थी कि मेरा जो स्टेटस है एंड द पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस आई एम कैरिंग फॉरवर्ड वो किस हिसाब से रेलेवेंट कर सकता है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सन विच दे माइट बी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी। तो उस हिसाब से मैंने मेरा रेज्यूमे भी फॉर्मेट किया था। देन आई ड्रॉप्ड द मैसेज फॉर इंडिविजुअल्स देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंडीड मॉन्स्टर एंड लिंक्डइन एंड दिस वन मोर इज़ स्टार्टअप स्पेसिफिक फोकस्ड वेबसाइट एंजल डॉट को और दी आईओ दैट वेबसाइट ऑल्सो इज हेल्प्स मी अ लॉट। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को कंसिडर करने के बाद जो भी हमारे पर्सनल नेटवर्क्स हो सकते हैं जो प्रोबेबली वी आर नॉट कनेक्टेड ऑन द लिंक्डइन बट वी डू नो यू नो रियली नो थ्रू दी फेसबुक और थ्रू एनी वेयर एल्स देन यू नो वी कैन स्टार्ट अप्रोचिंग टू देम कि इफ दे कैन हैव देयर एनी काइंड ऑफ रेफरेंसेस इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स और द प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट राइट। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद मैंने अपना फिर से रिट्राई करना शुरू किया एंड आई लैंड अप नॉट मोर दैन द यू नो कंसिडरेशन बट आई लैंड अप समवेयर अराउंड 20 to 22 इंटरव्यूज इन द स्पैन ऑफ 22 डेज और 23 डेज। और मैंने बैक टू बैक इंटरव्यूज़ दिए थे उस टाइम फ्रेम में। तो फर्स्ट थिंग अगर वो जो भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग सोचते हैं वो अगर सही ढंग से बनाते हैं एक श्योर है कि हमें इंटरव्यूज़ के रिस्पॉन्सेस आएंगे। सेकेंड थिंग वो जो भी इंटरव्यूज़ के रिस्पॉन्सेस आएंगे उसका शायद 90% कन्वर्ट नहीं हो बट हमें बस 10% की रिक्वायरमेंट है शायद जो आगे बढ़े एज अ एचआर पर्सन की तरफ कि हम लोग वो इंटरेक्शंस फाइनलाइज कर पाए। एंड व्हेन वी से अ 10% मेरे हिसाब से वो 10% में से एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए होती है जो हर यू नो पैरामीटर्स और डायनामिक्स के हिसाब से फिट बैठती है एंड दैट्स हाउ आई लैंड अप दिस पर्टिकुलर थिंग।